बेंगलुरु के हैबल असेंबली के एमएलए भाईराती सुरेश के जरिए बेंगलुरु में कोरोना वॉरियर्स के लिए एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें कांग्रेस के आला लीडरान भी शरीक हुए। बेंगलुरु के हैबल कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए भाईराती सुरेश ने लॉकडाउन के दौरान खिदमत करने वाले कोरोना वॉरियर्स, पुलिस और डॉक्टर्स को तहनियत पेश की। मुख्तलिफ महकमों को तकरीबन 1500 लोगों को तहनियत पेश करते हुए तोहफे भी दिए गए। शहर के आरटी नगर मैदान में ये खूबसूरत तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मकामी कॉर्पोरेट अब्दुल वाजिद के अलावा कांग्रेस के कई आला लीडरान भी मौजूद रहे। इतना वो अपना जीवन का, अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, सभी पब्लिक का सेवा किया, इसलिए इसलिए हम उसको एक थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल एक गिफ्ट देना चाहता था। वो सभी मिला के हम सभी आज उसको इधर बुला के थैंक्स बोलना चाहता था। जो आशा वर्कर्स हैं, जो नर्सेस हैं, जो हमारे पीकेस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे बेस्काम के हैं, बीडब्ल्यूसीबी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले हैं, सिविल, इन्होंने बहुत काम किया अपनी जान जोखिम में डालकर। इन लोगों को हमको सराहना था, इनको हम इनकी कुछ तो हौसला अफजाई करनी थी। जब लॉकडाउन में अभी थोड़ा रिलैक्सेशन आ गया तो हमने एमएलए से कहा कि हमारे हब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं उनको हम कुछ करें, उनको सराहा जाए।